तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आ चुके हैं रिकॉर्डिंग गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो आज की साली गेम प्ले वीडियो में मैं जा रहा हूँ यार लिपोफ का। और लिपोफ के अंदर भाई तुम मानोगे नहीं, मानोगे क्यों नहीं भाई, मतलब एक भी बंदा नहीं आ रहा होता। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गन की तलाश करता हूँ। और भाई मुझे सबसे पहले तो मिलती है यार UMP। और UMP के बाद सबसे पहले जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे मिल जाती है UZ। तो मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पर सबसे पहले तो यार चैलेंज कर लिया जाए SMG का। ठीक है, तो SMG का चैलेंज कर लिया जाए। तो यार सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि यार सॉरी उजी नहीं मिलती मुझे, PP Python मिलती है। तो अब मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पर चैलेंज कर लिया जाए। और जब तक मेरे 10 किल नहीं होंगे तब तक मैं बिल्कुल भी ये SMG को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो यार मैं आता हूँ प्रिजन की तरफ, क्योंकि लिपोफा के अंदर यार कोई यहाँ नहीं रखा होता। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पर तुम देखना बॉट कैसे मिलेंगे मुझे। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर तुम्हें बॉट दिख रहा होगा। अब सबसे पहले तो मैं इसे गाड़ी चढ़ाऊँगा। जो कि मैं उस पर गाड़ी जल्दी से चढ़ा नहीं पाऊंगा। और यहाँ पर यार बस बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था, तो उसमें गाड़ी वाड़ी को चढ़ नहीं रही थी। अब तुम यहाँ देखो यार, सबसे पहले तो दो तीन बॉट को कैसे मारेंगे निपटाएंगे यहाँ पर। अब इनको मारने के बाद यार लेफ्ट साइड से एक बंदा आ रहा होता है मेरे पे, जो कि था भाई रियल बंदा, और मेरे पे रश कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि मेरे को पता नहीं है। और तभी देखो यार जिसको मार रहे हैं यार, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता, जिसको मैं आराम से मार फिनिश वगैरह सब कर देता हूँ। और यहाँ पर तुम देखना यार यहाँ पर क्या होएगा। अब यहाँ पर मैं इस बंदे को लूट ही रहा होता हूँ। और तभी और तुम देखो सामने एक कैसा बंदा दे रहा होता है, भाग रहा होता है। जो क्या ये रहता है, ये वाला बंदा पता नहीं बॉट था या रियल, मुझे कुछ अंदाजा अंदाजा नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाला बंदा था रियल, जो कि भाई इसकी पिंग विंग बहुत ज़्यादा हाई आ रही थी। अब यहाँ पर देखो यार एकदम से मेरे अंदर कैसे पीछे से फायर पड़ता है। जिसको भाई आराम से मार देते हैं। मुझे समझ में नहीं आया इस बंदे ने क्यों शॉटगन को शिफ्ट कर ली थी, मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया इस बंदे ने शॉटगन क्यों शिफ्ट करी। अगर ये बंदा वही गन लेकर आता तो मेरे को शायद से मार सकता था। अब यहाँ तक तो भाई मेरे 5-5 किल हो गए थे आराम से। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट लेता हूँ। और सबसे पहले लूट क्या लेता हूँ, एमओ एमओ लेता हूँ। और सबसे पहले तो निकलते हैं भाई यहाँ से। और 5 या 6 किल भी हो तुम्हारे भाई के हो चुके थे। अब यार 4 किल बचे थे इस चैलेंज को खत्म करने के लिए। पूरा चैलेंज तो मैंने पूरे मैच में नहीं चलाया SMG में, तो मैं खुद बता देता हूँ। अब तुम यहाँ देखते जाना कि मैं आता हूँ यार ड्रॉप ड्रॉप पे। अब ड्रॉप सामने के लिए हो रहा होता है, मेरे साथ एक दूसरा बंदा भी जा रहा होता है ड्रॉप लेने के लिए। अब यहाँ पर भाई मेरे 8 किल क्यों हो गए, मतलब मैंने बीच में 2 बॉट मार दिए थे, इसलिए यार मैंने वो किल दिखाया नहीं बॉट वाले। तो यहाँ पर तुम देखो कि इस वाले बंदे को कैसे मारेंगे। अब इसको मार दिया यार, मतलब इस बंदे को नॉक कर दिया। अब जिसको मैं यार मैं फिनिश कर भी दूंगा। अब तुम बस यहाँ कैसे देखना कि यहाँ पर इसके दो दो टीममेट हैं, उन्हें उसी से कैसे क्लच करेगा तुम्हारा भाई। और भाई अगर इस वाले मूवमेंट यार अच्छा लगा हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। अब तुम यार खुद देख सकते हो यार यहाँ पर तुम्हारे भाई ने कैसे ही बंदों को मारा, मतलब यार क्या कर सकते हैं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया मारा है इन बंदों को। एक स्प्रे में दोनों बंदे चले गए उजी वाले। अब यहाँ भाई मेरे 11 किल हो चुके थे, तो मैंने डिसाइड करा कि यार इस चैलेंज को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर भाई तुम्हारा भाई सबसे पहले तो यार यहाँ पर वगैरह वैरल वैरल उठा लेगा, मतलब पूरे AR वेयर गन उठा लेगा। अब क्योंकि यार मतलब मेरा मन तो कर रहा था यार, मतलब मेरे को वैसे तो मैंने सोचा था कि पूरे मैच में चलाऊंगा, लेकिन यार ये चीज़ मैंने बिल्कुल मैच के अंदर ही डिसाइड करी। तो इसलिए यार सबसे पहले तो मैंने उठा ली M4 और कौन सी गन पता नहीं, हाँ M24 यार उठा ली। लेकिन स्नाइपिंग स्नाइपिंग तो मैं करूँगा। अब तुम स्नाइपिंग तुम देखना यार यहाँ पर स्नाइपिंग तुम्हारा भाई कैसे करेगा। अब यहाँ पर भाई मैं रिच पे गाड़ी लगाता हूँ, मतलब गाड़ी सॉरी बग्गी लगाता हूँ, जो भी है यार इसको गाड़ी भी बोल सकते हैं बग्गी भी। अब यहाँ पर भाई मैं अपनी बग्गी लगाता हूँ, और तुम यहाँ देखना कि सबसे पहले तो मैं कैसी स्नाइपिंग करूँगा। अब मैं यहाँ आता हूँ इस पहाड़ी की तरफ, सामने की तरफ यार फायरिंग हो रही होती है। और तब यार इस स्क्वाड को देखो,
और यार यहाँ पर इनके दो बंदे नॉक हो गए थे। अब यार तो बच रहा था बस एक बंदा और मैं बिना किसी देर के रश कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं रश करूंगा तुम यहाँ देखना मेरे पीछे से डीपी का फायर पड़ेगा। अब यार मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यार मैंने सही वक्त पर रश कर दिया, क्योंकि यार एक पीछे वाली स्क्वाड ने भी मेरे पर रश कर दिया था उस वाली रिच पर ही। अब तुम यहाँ पर देखो यार वो बंदे यहाँ पर कैसे उंगलबाजी करेंगे, मतलब वो तो तुम छोड़ सकते हो लेकिन अब यहाँ देखना यार क्या होएगा। और यार यहाँ पर मैं अपने किल विल कंफर्म कर लेता हूँ। और भाई तुम यहाँ पर देखते जाना कि लेफ्ट वाले बंदों को, वो मतलब ये वाला जो लेफ्ट वाला बंदा जो उनका पीछे के पीछे था उसको यार वो लोग कोई और मार देता है। अब सामने वाले स्क्वाड यार इनको भाई को मैं बहुत ज़्यादा फायरिंग करता हूँ लेकिन यार कोई ज़्यादा खास हो नहीं पाता। और तब यार मेरे अंदर से राइट साइड के अंदर कोई बंदा मिनी चला रहा होता है। अब यार मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार ये मिनी वाला बंदा है कहाँ। तो यार तुम यहाँ पर देखना मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाएंगे, मतलब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं बिल्कुल ढूंढ रहा होता हूँ, मुझे कुछ अंदाजा नहीं होता कोई बंदा है कहाँ। बस उसके फायरिंग की साउंड आ रही थी कि वो सप्रेस मिनी चला रहा है। और तुम यहाँ देखो मुझे लगा 70-70 के पीछे है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क आ रहे थे बहुत ज़्यादा डार्क आ रहे थे मैप के अंदर। तो मैं सोचता हूँ यार यहीं कहीं होगा पास में। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फर्स्ट एड लगाता हूँ, फर्स्ट एड लगाने के बाद तब यार वो बंदा सबसे पहले स्प्रे देगा और मुझे वो दिख भी जाता है। और भाई ये बंदा यार यहाँ पर लेट के फायर दे रहा था, अगर ये बंदा लेट आवा नहीं होता एक पेड़ वेड़ के पीछे होता तो शायद से मुझे मार देता। और शायद से यार ये बंदा मार भी सकता था, मैं पेड़ के पीछे मतलब सॉरी पत्थर के पीछे मैं आराम से वो कर रहा था हील, लेकिन यार पता नहीं क्यों नहीं मार पाया, शायद से इस बंदे को एंगल नहीं मिला होगा। अब यहाँ पर तो यहाँ तक तो भाई मेरे तुम्हारे भाई के 14 किल हो गए थे। अब तुम सोच रहे हो कि भाई इस वाले गेम प्ले में तुम्हारे कैसे 23 किल निकल गए, 23-24 किल जितने भी। लेकिन यार तुम्हें मैं बता दूं कि यार इस वाले गेम प्ले में मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मतलब यार तुम खुद देखते जाना यहाँ पर क्या होगा। अब सबसे पहले तो मैं अपना किल कन्फर्म करता हूँ क्योंकि किल कन्फर्म कर ही लिया जाए, क्योंकि भाई हर तरफ बंदे हैं तो यार किल कन्फर्म कर क्यों ना कर लिया जाए। अब यार मैं देख रहा होता हूँ कि जिस बंदे के डुओ को मैंने मारा था वो बंदा है कि नहीं है, लेकिन यार वो तो चला चुका था यहाँ से क्योंकि उसको यार किसी और ने मार दिया था, जो सामने वाली रिश्पे स्क्वाड है उसने उन्होंने उसको मार दिया था। अब बच रहे थे यार 7 बंदे मेरे को मिला के। अब सामने की तरफ यार तुम यहाँ देखने ये लोग गाड़ी लेके निकल रहे हो तो जिस पर मैं फायर देता हूँ, मुझे लगता है कि यार कोई ना कोई तो उतर ही जाएगा लेकिन कुछ नहीं होता भाई ऐसा। तभी यार मैं पेन किलर लगाता हूँ और तभी यार एक गोली वाला बंदा रश कर देता है मेरे ऊपर। अब रश तो इस बंदे ने कर दिया था और भाई मेरे भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। सबसे पहले तो मैं बिना पैनिक करे हुए मेरे क्या बोल दिया मैंने, मतलब मैंने ये भी बोल दिया पैनिक हो गया था और ये भी बोल रहा हूँ बिना पैनिक हुए, मतलब भाई अब मतलब यार तुम जहाँ भी पैनिक हो ना तो सोचा करो कि यार मैं पैनिक ना हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरा नेट करता हूँ यार तभी लेकिन यार इस बंदे को आराम से मार देते हैं। यहाँ तक तो तुम्हारे भाई के 16 किल हो चुके थे, बच रहे थे यार सामने की बस एक पूरी स्क्वाड और वो भाई वो पूरी स्क्वाड थी। अब यार तभी यार बिल्कुल ही जोन ने मेरे साथ धोखा दे दिया यहाँ पर, मतलब दे ही देगा भाई जोन यहाँ पर धोखा तुम्हारे भाई को, मतलब तुम खुद देखते जाना। अब इस मूवमेंट पे यार मेरे को यार जोन ने भी धोखा दे दिया था, जोन बिल्कुल यार आगे उस उनके पास ही चला गया था, मतलब यार मेरे पास हो जाता तो शायद से एक बार को मैं फाइट ले भी लेता। लेकिन यार उन बंदों पे ओम ग्रोजा भाई MK14 बहुत कुछ था। अब यार मैं बिना किसी देर के यार बिल्कुल अब मेरे को नहीं लेना था रिस्क, क्योंकि यार मैं जब जोन आ जाता तब जाता तो भाई मैं मरना था, वैसे तो मरना अभी भी था क्योंकि यार बिल्कुल ओपन से जाना और वो लोगों ने मेरी बग्घी वग्घी सब फोड़ वोड़ भी दी है, मतलब बहुत कम मेरी बग्घी की हेल्थ बची थी। अब तुम यहाँ देखना यार क्या होगा। मैं सबसे पहले तो यार बिना किसी देर के अपनी बग्घी निकालता हूँ, अब पीछे लेता हूँ बग्घी, अब मेरी बग्घी की भी बहुत ज़्यादा कम हेल्थ होती है और तुम यहाँ देखते जाओ यार। अब यार कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन यार इन बंदे को मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था। अब अगले गेम प्ले में आते हैं, तो अगले वाला गेम प्ले मैंने लगाया था लिविक मैप का। अब लिविक मैप के अंदर यार मैं उतर रखा होता हूँ पावर प्लांट, और पावर प्लांट के अंदर अच्छे खासे बंदे आ रखे होते हैं, अच्छे खासे तो क्या यार मतलब अच्छे खासे आ रखे होते ही हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे कार 98 मिल जाती है। अब कार 98 उठाने के बाद यार मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लूटता हूँ, अब फार्मस मिल जाती है मुझे, फार्मस
और तुम देखते जाओ। अब फार्मर्स तो मुझे मिल गई थी, अब मुझे ढूंढना था कोई और गन, और गन में को एक और मिल जाती है जिसका नाम है स्कारल। और स्कारल मिलने के बाद सबसे पहले तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार सामने की तरफ बंदा उतर है तो सबसे पहले तो ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से यार फाइट लेते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ऊपर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, चढ़ भी जाता हूँ आराम से और आ जाता हूँ यार इस वाली छत के ऊपर। अब इस वाली छत के ऊपर यार मैं सबसे पहले तो आकर ना सीधा आकर लेट जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदा मेरे पे रश करेगा या फिर वो बाहर तो निकलेगा ही। अब जैसे ही मैं लेटा होता हूँ तब यू वो बंदा बिल्कुल बाहर निकलता है, जिस बंदे को यार हम आराम से मार देते हैं। मैं सॉरी गलत बोल दिया, मैंने बहुत सारे बंदे आ रहे होते हैं लेकिन बस एक ही बंदा आ रहा होता है जिसको यार मैं मार देता हूँ। ये बंदा भी सोलो भी स्क्वाड खेल रहा था मेरी तरह। अब यहाँ पर यार सबसे पहले तो थोड़े बहुत बॉट को मार के चलते हैं भाई यहाँ से। और इस वाले गेम प्ले के अंदर कार 98 भी तुम्हारा भाई चलाने वाला है, और इस वाले गेम प्ले के अंदर हाँ भाई तुम्हारे भाई का चिकन अच्छी तरीके से निकल जाएगा, चिकन डिनर इस वाले गेम प्ले में हो जाएगा। तो अब तुम देखते जाना कि यार यहाँ पर एक बॉट को मारने के बाद अब रियल बंदे के साथ कैसे मुलाकात होगी। अब यहाँ पर भाई मेरे को कार 98 मिल गई थी, कार 98 तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन यार ये बंदा यहाँ पर एक पहाड़ चढ़ रहा होता है, ये सोच रहा होता है रिच पर चढ़ के यार इनसे फाइट फाइट ले लूँगा, जिनसे ये फाइट लेने के मूड में था। अब यार तुम यहाँ देखो, यहाँ मैं इस बंदे को यार हेड लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन बॉडी होता है। अब दूसरी यार दूसरा शॉट भी देता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। अब यहाँ पर तो तुम देखते जाना क्या सीन होएगा। अब यहाँ पर भाई तुम्हारा भाई हेल्थ रीलोड कर लेता है और ये बंदा रहता भाई लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड यार तुम देखना यहाँ पर कैसे पट से हेड शॉट पड़ेगा इस बंदे के अंदर। और भाई यार इस वाले शॉट के लिए एक लाइक तो बनता ही है यार, इस बार शॉट भाई मज़ा आता है भाई, स्नाइपर या फिर शॉटगन से मारने में बंदे को मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पर मारने के बाद यार मैं आता हूँ इस वाली जगह पे। अब इस वाली जगह पे यार यहाँ पर बच रहे थे सिर्फ 6 बंदे, मतलब पूरा मैच भाई ऐसे ही निकल जाता है। और तभी यार तुम देखो मुझे कैसे एक बंदा स्पॉट होता है। सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं चढ़ भी जाता हूँ और तभी यार मुझे सामने की तरफ एक बंदा भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर भाई मैं आराम से लेट जाऊँगा क्योंकि यार बच रहे थे 6 बंदे, और भाई तुम सामने देखो कैसे बंदा जा रहा है, जिस बंदे को मैं नॉक करता हूँ और फिनिश भी यार आराम से इस बंदे को दे देंगे। ये बंदा शायद से अगर कवर में जाता, अगर उसके पत्थर वत्थर के तो यार शायद से बच सकता था, लेकिन यार अब तुम देखते जाओ सामने की तरफ यार बंदा था, उस बंदे ने भी मेरे को हेड दिया, मैंने भी उस बंदे को हेड दिया। यार दोनों पे तीसरे लेवल के हेलमेट थे लेकिन मेरे पे तीसरे लेवल का हेलमेट नहीं था, उस बंदे के पास शायद से कोई DMR थी शायद से, मुझे पता नहीं। लेकिन यार अब यहाँ पर सिर्फ 3 बंदे बच रहे होते हैं मेरे को छोड़ के। अब यहाँ पर भाई तुम देखते जाना कि यहाँ पर कैसे मैं देख रहा होता हूँ कि वो बंदा कब रश करे, और तब यार एक गाड़ी वाला मेरे पे रश कर देता है। अब इस गाड़ी वाले को देखने यार यहाँ पर तुम्हारे भाई का देखने वाले तुम 100 IQ नेड। अगर तुम खुद यार इस वाले नेड को देख के लाइक नहीं कर रहे तो भाई तुम क्या ही कर रहे हो, मतलब तुम खुद देखने यार 100 IQ नेड तुम्हारा भाई कितने तगड़ा करेगा यहाँ पर जाके। मैं फ्री फायर देता हूँ, बंदा रुक जाता है तो मेरे को पता चल गया था गाड़ी के साउंड से और सामने की तरफ देख के। अब यार तुम यहाँ देखना कि ये बंदा, मुझे पता था कि ये पत्थर के पीछे यार ये बंदा होएगा, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था कि कहाँ होएगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि यार ये लोग पत्थर के पीछे क्यों बंदा पक्का हील करेगा, क्योंकि गाड़ी तो यार फट चुकी है इस बंदे की। और भाई जो कि भाई मैं बिल्कुल सही था भाई, और मैं इस बंदे को आराम से मार देता हूँ, जिसको मारने में मुझे कोई दिक्कत होती नहीं ज़्यादा। अब बच रहे थे यार लास्ट बंदा, जिसको मैं आराम से इस दूसरे बंदे को लूट के, यार मेरी दिक्कत नहीं भी भाई, मैं हमेशा लूटता हूँ, मतलब पता नहीं यार क्या आदत है। अब इसको लूटने के बाद यार मैं आता हूँ और इसको भी भाई बंदा राइट स्प्रे देता है सामने की तरफ से। अब यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एड मारता हूँ, और फर्स्ट एड मारने के बाद वो बंदा आ रहा था सामने वाले पेड़ की तरफ। सबसे पहले तो मेरे पे एक मौली पड़ी हुई थी और मौली उठाता हूँ और मौली फेंक देता हूँ भाई, और मौली से यार मौली की वजह से मेरा सही काम हो जाता है, क्योंकि यार ये बंदे मौली की वजह से पीछे चल जाता है और पीछे जाके लेट जाता है, जिसकी वजह से यार मैं बिना किसी देर के रश कर देता हूँ जिस बंदे को डैमेज हुआ भी था मौली की से। और तुम देखते जाओ और भाई इस बंदे को मार देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज़ कर दो, जाओ कर दो, हाँ बाय।